आपने हमें तो बोले भी किसी सफारी पर नहीं रखी भाई सर, सोमवार तक मुझे भाई क्यों भाई इसके लिए शादी कर रहा ये रेकॉर्ड ना हो। आप मुझे एक चीज बताओ, पीछे वाला सारा जो टेल मी वन थिंग, ये तो आज बरसात आने वाली हम देखने आए हैं भाई, भी से कम से ये रेगुलर नहीं साबुन चाहिए, रेगुलर आपको क्या रहे हैं नाली है भाई, नाला है लगाओ फटाफट। क्यों नहीं निकालते तो नया आ गया, अरे एक ऊपर पड़ा गोबर तो गल के सारा साल क्या करते हो, सफाई रेगुलर काम नहीं है। मुझे ये बताओ हमें कहते रहते टेंडर होगा तो करेंगे, साल में एक बार टेंडर होता है सर, जैसे टेंडर जब आप देखते होंगे तो साल का टेंडर होगा ना, क्योंकि तेरा काम है इसका क्लीनिंग का, आज भी सर गंदा हो गया फिर उसका फिर तो रेगुलर करते हैं यार भी है। आप साल का टेंडर तो चार महीने का क्या टेंडर हुआ, ये देख ये लोग कह रहे हैं रोटियां खाते हैं। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने अधिकारियों के साथ आज अंबाला कैंट के सभी नालों और टांगरी नदी का निरीक्षण किया। इस मौके पर उनके साथ अंबाला जिला उपायुक्त डॉक्टर शालीन और सभी विभागों के अधिकारी, खासकर इरिगेशन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सभी विभागों ने युद्ध स्तर पर काम करना आरम्भ कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास ये है कि जो पानी है वो लोगों की प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाए और अपनी सीमा में रहे। उन्होंने अंबाला कैंट के सभी नालों को देखा है और टांगरी नदी को भी देखा है। विज ने कहा कि इसमें मशीन चलाकर गहरा कर दिया जाए और इसकी मिट्टी निकालकर साइड में गिरा दी जाए, फिलहाल तो यही काम हो सकता है और आगे अगर लोग राजी हुए तो हम पक्का बांध भी बना कर देंगे जिसमें स्टोन की फिटिंग भी बना कर देंगे। उन्होंने टांगरी नदी में अतिक्रमण को लेकर भी अधिकारियों को निर्देश दिए कि अतिक्रमण को हटाया जाए। वहीं उन्होंने टांगरी नदी में खुदाई के लिए लगाई गई जेसीबी की संख्या बढ़ाने की भी बात कही। देखिए सारा जो विभाग है, ड्रेनेज विभाग है, म्युनिसिपल कमेटी है, पब्लिक हेल्थ है, पीडब्ल्यूडी है, सारे युद्ध स्तर पर ये काम करना उन्होंने आरंभ कर दिया है और हमारा प्रयास ये है कि जो पानी है वो लोगों की प्रॉपर्टी को नुकसान ना करे और अपनी सीमा में रहे। उसके लिए आज हमने सारे पॉइंट देखे, आज हमने गुड़गुड़िया नाला देखा है, महेशनगर ड्रेन देखी है, बीडी फ्लोर मिल के पीछे का नाला देखा है, सुभाष पार्क से जो नाला जा रहा है उसको भी देखा है और ये जो टांगरी है, टांगरी जो आ रही है इसको भी देखा है और इसको हमने कहा है भाई इसको मशीन ने चला कर इसको गहरा कर दिया जाए और उसकी मिट्टी निकाल के साइडों पे डाल दीजिए। अभी तो क्योंकि अब जल्दी हैं बरसातें, अभी तो यही काम हो सकता है, आगे भी हमने इसकी प्लान बना रखी है अगर लोग राजी होंगे, क्योंकि कई जगह पे हमें लोगों की ज़मीन की ज़रूरत भी पड़ती है तो इसमें जो बांध बनेंगे उसमें हम स्टोन पिचिंग करा के देंगे, वो हमारा ऑलरेडी प्रपोज्ड है, वो हम करके देंगे और कोशिश यही है कि बाढ़ से कोई नुकसान ना हो। सिर्फ नहीं नहीं किसी प्रकार का किसी को पानी की रवानगी में बाधा नहीं डालनी चाहिए सर। और क्या क्या आदेश दिए गए अधिकारियों को आज? ये सारे नाले साफ होने चाहिए, सारे जो पाइप डाले गए हैं पानी निकालने से वो होने चाहिए, महेशनगर ड्रेन होनी चाहिए और महेशनगर ड्रेन उसका हमने IIT रुड़की से हमने डिज़ाइन करवाया था, उस डिज़ाइन के हिसाब से जहाँ से ये बेचने के ड्रेन शुरू हो रही है वहाँ से लेके वो तक तो इरिगेशन डिपार्टमेंट ने, ड्रेनेज डिपार्टमेंट ने बना दी और रामबाग से लेके टांगरी नदी तक भी बना दी है और बीच का जो नाला है उसके लिए बनाएगा ड्रेनेज डिपार्टमेंट, उसके लिए 24 करोड़ रुपए म्यूनिसिपैलिटी दे रही है जो कि चिट्ठी आ गई है, एक दो दिन में पैसे दे दिए जाएंगे। सारा वो फिर पक्का कंक्रीट का सीमेंट का ड्रेन बना दिया जाएगा, क्योंकि अगर आप उनकी दीवारें देखो लोगों ने नाले के बिल्कुल किनारे से अपने मकान उठा रखे हैं, ना तो आदमी अंदर साफ करने जा सकता है ना गंद निकाल के बाहर फेंका जा सकता है। वो नाला बन जाएगा जब जो मंजूर हो गया
तो फिर अंदर जेसीबी जा सकती है, अंदर ट्रॉली जा सकती है, एक सिरे से ट्रॉली डालने की जगह बनाएंगे और वहाँ से लेके दूसरे सिरे से वो निकला करेगी ताकि उसका परमानेंट इलाज हो सके। सर मॉनसून आने को किस चीज़ की संख्या हमने कह दिया बढ़ाने के लिए, हमने अभी गिनी नहीं है, हम काम बता रहे हैं, मशीनें कितनी लगानी है, इनका काम है, इंजीनियर हैं ये, इनका काम है, हमें तो काम चाहिए कि भाई ये काम होना चाहिए सारा। सर आपने जो इंस्ट्रक्शन जहाँ जहाँ से मैं अभी सुबह से होके आया हूँ उनको सब जगह हिदायतें दे दी हैं कि वो साथ साथ चेक करते रहें, जो ना करता होगा वो मुझे बताएं। अभी भी चेक करेंगे सर दोबारा? मैं तो करते ही रहता हूँ। हाँ थैंक यू सर।